नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भलचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धेश्वर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे धनु राशि का अक्टूबर 2023 का संपूर्ण राशिफल, कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशिंतर और वह आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धेश्वर, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का अक्टूबर 2023 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे धनु राशि के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपके राशि का मानसिक या फिर शारीरिक स्वास्थ्य किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है गुरु, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, हालांकि वो वक्री है लेकिन इसकी जो नवम दृष्टि है वो आप ही के राशि पर है, तो जो गुरु जो है वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण शुभ फलदायी है। जैसे कि वो आपके राशि का स्वामी भी है और इसकी जो नवम शुभ दृष्टि है वो आप ही के राशि पर है, लेकिन आपके राशि का जो षष्ठेश है शुक्र, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, तो पिछले करीबन एक डेढ़ महीने में आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं वो काफी ज्यादा दिख रही है। स्वास्थ्य के बारे में जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है वो भी आपने ज्यादा देखे होंगे, लेकिन इस महीने में चिंता नहीं करना चाहिए क्योंकि आपके राशि का जो षष्ठेश शुक्र जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 2 तारीख के बाद यह आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, तो स्वास्थ्य के बारे में या फिर स्ट्रेस टेंशन के मामले में जो भी परेशानियां हैं वो काफी मायने में नॉर्मल होती हुई नजर आएगी। उसी प्रकार गुरु जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, उसका जो भ्रमण है या फिर उसकी जो दृष्टि है वो भी आपके राशि पर होगी, इस लिहाज से देखा जाए तो इस महीने में आपका जो मानसिक या फिर शारीरिक स्वास्थ्य काफी बढ़िया देखा जाएगा। अब हम चर्चा करेंगे कि आपके जो फाइनेंशियल स्टेटस है, मतलब आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो धनेश है शनि, जो कि आपके तृतीय भाव में वक्री भ्रमण कर रहा है, और जो आपके राशि का जो पंचमेश है मंगल, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, 4 तारीख के बाद यह आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके अष्टम भाव में शुक्र जो है वो आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, और आपके राशि का जो लाभेश है शुक्र, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 2 तारीख के बाद यह आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जो आपका फाइनेंशियल स्टेटस है उससे रिलेटेड भी कुछ बेटर अपनिंग आपके लिए जरूर होगी। मतलब पिछले 2-3 महीने की अगर तुलना करें तो जो बातें हैं वो आपके लिए काफी ज्यादा सहज और इजी हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी जो इनकम है उसमें काफी अच्छी बढ़ोतरी हो जाएगी। उसी प्रकार आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में भी कुछ अच्छे लाभ मिलते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो 2, 5, 8 अक्रम, मतलब आपका जो धनस्थान या फिर आपके जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसके बारे में कुछ अच्छी हैपनिंग, बेटर हैपनिंग आपको देखने मिल सकती है। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार आपका जो लाभेश है, जो मुख्य रूप से आपके षष्ठ, सप्तम और अष्टम भाव में पिछले 3-4 महीने से भ्रमण कर रहा था, वो अभी आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, जो कि काफी अच्छी बात होगी। कुछ अच्छे बात, जो लाभ जो आपको नहीं मिल रहे थे, जिसमें रुकावटें आ रही थी, वो जो बातें हैं वो काफी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो फाइनेंशियल स्टेटस भी आपका बहुत ही अच्छा देखा जाएगा। अब हम चर्चा करेंगे कि आपका जो गृह सौख्य, जिसे हम कहते हैं फैमिली हैप्पीनेस, वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो चतुर्थेश है गुरु, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, हालांकि वो वक्री है लेकिन फिर भी आपका जो भी घर संसार होगा इससे रिलेटेड कोई बड़ी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन वाली बातें नहीं आएगी, लेकिन घर के जो लोग होंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। मोटी ऐसी कोई बात या फिर प्रॉब्लम आपको देखने नहीं मिलेगी। अब हम चर्चा करेंगे कि आपका जो लव लाइफ है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके पंचम भाव में गुरु हर्षल और राहु भ्रमण कर रहे हैं, उसमें जो गुरु है वो वक्री है और आपके राशि का पंचमेश जो कि महत्वपूर्ण ग्रह है, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 4 तारीख के बाद यह जो मंगल है वो आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। लाभ भाव में भ्रमण करने के बाद यह जो मंगल है सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेगा। तो यहाँ पर 2-3 बातें उस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जो गर्भवती महिला है उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में थोड़े ध्यान देना आवश्यक है। स्वास्थ्य के बारे में छोटी मोटी समस्याएं सामने आ सकती होगा। तो उसी प्रकार लव लाइफ में के बारे में जैसे हम चर्चा करते हैं, लव लाइफ के बारे में भी अगर देखा जाए तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। अब ये जो तकरार है वो थोड़ी बढ़ भी सकती है, आपको तो उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हालांकि जो गुरु है वो आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो टेंशन लेवल है वो ज्यादा नहीं बढ़ेगी, लेकिन आपको लगेगा कि जो बातें हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है, बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए ये जो समय है वो काफी अच्छा होगा, किसी बड़ी प्रकार की कोई बड़ी दिक्कतें आपको देखने नहीं मिलेगी, जो कि काफी अच्छी बात होगी।
उसी प्रकार पिछले करीबन 3-4 महीने में आपने देखा होगा या फिर 2-3 महीने में आपने देखा होगा कि आपके जो विरोध में लोग हैं, जहां पर आप काम करते हैं, नौकरी करते हैं या फिर व्यवसाय करते हैं, वो थोड़ा सा आपके ऊपर ओवर पावर हो रहे हैं, या फिर जो भी बातें हैं थोड़ा सा आपने ऐसा महसूस भी किया होगा, अनुभव भी किया होगा कि जो गुप्त शत्रु जिसे हम कहते हैं वो आपके ऊपर थोड़े हावी हो रहे हैं। लेकिन इस महीने के करीबन पहले वीक के बाद ये जो बातें हैं वो काफी नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। अब हम चर्चा करेंगे कि आपका जो वैवाहिक सुख है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि के जो सप्तमेश है बुध, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 2 तारीख के बाद ये आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा और दिनांक 19 तारीख के बाद ये जो बुध है वो आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो ताल्लुकात है वो काफी अच्छे देखे जाएंगे। इसका जो अनुभव पिछले 15-20 दिनों में या फिर 1-1 महीने में भी आपने अनुभव किया होगा, तो उसी लिहाज से देखा जाए तो आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें जो इंटरेक्शन है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है, तो विवाह सुख के बारे में कोई बड़ी दिक्कत वाली बात देखने नहीं मिलेगी। अब हम चर्चा करेंगे कि जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड जो बातें हैं वो किस प्रकार की होगी। जैसे कि आपके राशि का जो दशमेश है या फिर कर्मेश है बुध, जो कि आपके भाग्य भाव में, दशम भाव में और आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा, तो किसी भी प्रकार के बड़े स्ट्रेस, टेंशन, प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल भी देखने नहीं मिलेंगे। हालांकि अगर आप नौकरी चेंज करना चाहते हो, कोई बदलाव करना चाहते हो, महत्वपूर्ण बदलाव अगर आप करना चाहते हो, तो उसके रिलेटेड भी कुछ फेवरेबल कंडीशंस आपको देखने मिलेगी। उसी प्रकार अगर आप बदली चाहते हो तो भी ये जो समय है वो बहुत ही अच्छा होगा। आपके काम की वाह वाह हो सकती है और आपको कुछ नई बातें, कुछ नए सोर्सेस भी आपके सामने आ सकते हैं, मतलब मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम जिसे हम कहते हैं, उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें भी हो सकती है। तो आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छी खबर आपको मिल सकती है। अब यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो कि आपके लाभ भाव में रवि, मंगल और बुध और केतु है। इसके पहले पिछले करीबन 1.5-2 महीने में आपने देखा होगा कि जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर के जो लोग होंगे उनसे बहुत ज्यादा स्ट्रेस, टेंशन वाली जो बातें हैं वो आपने सही होगी। लेकिन इस महीने में जो बदलाव है उसमें काफी ज्यादा पॉजिटिव देखा जाएगा, मतलब जो बातें पिछले 1-1.5 महीने में आपने देखी होगी उससे पूरी विरोध में जो बातें हैं वो आपके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल होगी। यहाँ पर 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जैसे मैंने अभी कहा कि रवि, मंगल, बुध और जो केतु है वो आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहे हैं, तो जो भी आपके मित्र परिवार होंगे उनसे छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और ये तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है, आपको इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार आपके बड़े भाई या फिर बहन होंगे उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, या फिर इसके पहले इस प्रकार की बातें चल रही है तो इसमें इजाफा होने की संभावना काफी ज्यादा बन रही है। तो आपको इस सभी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, कंट्रोल करना होगा, पेशेंस से थोड़ा जो काम है वो लेना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि हर एक दिन में जो ग्रह योग होते हैं उसके जो परिणाम होते हैं वो किस प्रकार के होंगे। जैसे कि दिनांक 2 तारीख को नेपच्यून और बुध का प्रतियोग होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ जो बुध आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का प्रतियोग होने जा रहा है दिनांक 2 तारीख को। तो इन दिनों में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, मतलब जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर के जो लोग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, खास करके डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड जो बातें हैं उसमें थोड़ी सा कॉम्प्लिकेशन वाली जो परिस्थितियां हैं वो आ सकती है। आपको थोड़ा सा खुद पर अमल करना बहुत ही आवश्यक होगा, ये बातें हैं वो आपको जान लेना होगा क्योंकि बातें जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। उसी प्रकार दिनांक 10 तारीख को शनि और शुक्र का प्रतियोग भी होने जा रहा है। अब ये जो शनि आपके लाभ भाव तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ जो शुक्र आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का प्रतियोग होने जा रहा है। स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम इन दिनों के आसपास नहीं करना, अगर करते हो तो उसमें थोड़ा सा विलंब हो सकता है या फिर उसमें जो कॉम्प्लिकेटेड वाली जो बातें हैं वो हो सकते हैं, बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार दिनांक 22 तारीख को शनि और बुध का दिनांक 13 तारीख को शनि और मंगल का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। शनि जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, जो मंगल आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभफलदायी योग है ये। जैसे कि जो शनि है वो आपका धनेश है, तृतीयेश है, जो मंगल है वो आपका पंचमेश, अष्टमेश है, दोनों का जो त्रिकोण योग आपके तृतीय या फिर लाभ भाव से होने जा रहा है बहुत ही अच्छा और शुभफलदायी योग है। खास करके जो भी आपके काम नहीं हो रहे, जिसमें विलंब हो रहे हैं कई दिनों से, उसमें काफी ज्यादा विलंब देखे जा रहे हैं, तो इस प्रकार के जो काम है इन दिनों में हाथ में ले सकते हो, वो काफी इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे। अगर आपके मन में कोई नया प्रोजेक्ट इसके बारे में सोच रहे हैं तो आपके जो मित्र परिवार है उनसे भी आपको काफी अच्छी मदद मिल सकती है, कुछ अच्छी सलाह भी मिल सकती है, कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिल सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है तो उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है, मतलब ये जो शनि मंगल का जो त्रिकोण योग आपके
तृतीय या फिर लाभ भाव में होने जा रहा है वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार दिनांक 22 तारीख को शनि और बुध का भी त्रिकोण योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा और जो बुध आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। खास करके अगर आप विवाहित हैं तो आपके जो वैवाहिक जुड़ीदार हैं उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है, उनके साथ आपकी जो रिलेशनशिप है वो भी काफी अच्छी देखी जाएगी। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड भी जो महत्वपूर्ण काम है वो भी आप हाथ में ले सकते हो। तो आउट एंड आउट ये जो शनि और बुध का जो त्रिकोण योग होगा वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार दिनांक 24 तारीख को शनि और रवि का भी त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये जो त्रिकोण योग है आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा, खास करके 24 तारीख को ये जो शुभ त्रिकोण योग है वो होने जा रहा है। तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है, उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण डिसीजन आप ले सकते हो। अगर आप सार्वजनिक जीवन में है तो फेमस होना इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती है, मतलब ऐसी कोई बात हो सकती है जिसकी वजह से आप समाज के सामने आ सकते हो या फिर आपके काम की वाहवा भी हो सकती है। तो रवि और शनि का जो त्रिकोण योग है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार दिनांक 28 तारीख को गुरु और मंगल का प्रतियोग भी होने जा रहा है। गुरु जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा और जो मंगल आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का प्रतियोग होने जा रहा है। अब ये जो प्रतियोग है थोड़ा सा शुभ फलदायी साबित हो सकता है, खास करके जो गर्भवती महिला है उन्हें खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है तो वहां पर छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, ये तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है, तो ध्यान देना थोड़ा आवश्यक होगा। उसी प्रकार अगर आपकी संतान है तो संतान के और आत्म के बीच में ऐसी कोई दिक्कतें आ सकती है जिसके वजह से प्रॉब्लम आपके घर में ज्यादा हो सकते हैं, थोड़ी परेशानी वाली बात भी सामने आ सकती है, तो थोड़ा सा खुद पर कंट्रोल करना थोड़ा आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 29 तारीख को मंगल और बुध की युति होने जा रही है आपके लाभ भाव में। अब ये जो बुध है जो कि आपके राशि का सप्तमेश है और दशमेश भी है, जो मंगल है जो कि पंचमेश है, तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें हो सकती है, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम वाली बातें भी हो सकती है। लेकिन जो गर्भवती महिला है उनके बारे में फिर से ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने अपने स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि मंगल की जो दृष्टि है वो भी आपके पंचम भाव पर आ रही है, बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 31 तारीख को शुक्र और हर्षल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा और जो शुक्र आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ फलदायी योग है ये, खास करके आपको अनपेक्षित लाभ वगैरह मिल सकते हैं। उसमें का जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ बेटर हैपनिंग हो सकती है जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस संपूर्ण महीने में आपको किसी भी प्रकार की बड़ी दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। जो मैंने पहले बात की कि आपकी जो मित्र परिवार है या फिर आपके बड़े भाई बहन होंगे उनके साथ छोटे मोटे बातों को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, खास करके जो गर्भवती महिला है उन्होंने खुद पर ध्यान देना होगा, क्योंकि इस महीने के 28 तारीख को ग्रहण भी है और वो आपके पंचम और लाभ भाव में उसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा। तो आपको खुद पर थोड़ा सा जो कंट्रोल है या फिर जो भी बातें जो भी लक्षण अगर आपको दिखाई देते खास करके गर्भवती महिला के बारे में, तो थोड़ा सा खुद के सेहत के ऊपर ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 14 तारीख को अमावस है और दिनांक 28 तारीख को पूर्णिमा है। अमावस और पूर्णिमा के दिन रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफी ज्यादा पाया जाता है, इस वजह से जो भावनाएं होती है हमारी ज्यादा प्रदीप्त होती है, तो इसी के चलते हम ऐसे कोई निर्णय ले सकते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन जीवन में बढ़ सकते हैं। आपको खुद पर कंट्रोल करना आवश्यक होगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा इस महीने में ग्रहण का भी जो प्रभाव है वो देखा जाएगा। तो दोस्तों ये था धनु राशि का अक्टूबर 2023 का संपूर्ण राशिफल। आपको राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।